चलिए मैं मुंह चुरवे है उसमें, चलिए कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, कौन ऐसा किसकी पत्तियां से भाई पौधे निकलते हैं? तो आंसर हो जाएगा बायोफिल्म से। क्या हो जाएगा? बायोफिल्म से। आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की त्वचा का रंग किस रंग निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बताइएगा, मनुष्य का जो त्वचा का रंग होता है ये किसके द्वारा नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है भाई? बताइएगा, पॉलीजीन के तीन जोड़े के द्वारा, या दूसरा है डुप्लीकेट जीन द्वारा, तीसरा है पॉलीजीन के छह जोड़े द्वारा, या क्या है सलीमेट्री जीन द्वारा। बताइएगा, जो मनुष्य का जो त्वचा का रंग होता है ये किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, ये बताना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आंसर हो जाएगा मेरे शेर, पॉलीजीन के तीन जोड़े द्वारा। किसके द्वारा? पॉलीजीन के तीन जोड़े के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है ये बताना है। पारिस्थितिकी तंत्र है सदैव बंद होता है, या सदैव खुला होता है, या दोनों खुला और बंद जीवन भर निर्भर होता है, या दोनों खुला और बंद समुदाय पर निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर हो जाएगा ये आपको बताना है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तीसरा का आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई ये जो होता है ना पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या है? तो सदैव खुला रहता है। क्या होता है? ये आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चार नंबर। ठीक है, चार नंबर क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। चार नंबर क्वेश्चन आता है भाई, बोल रहा है अंगुली काएं किसका लरवा है? अंगुली काएं किसका लरवा है? मधुमक्खी का, या सोलोमेडर्स का, या रेशम कीट का, या मछली का? बता दीजिए ये किसका लरवा है ये बताना है आपको, ये किसका लरवा है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया? चार का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? तो चार का आंसर हो जाएगा मेरे भाई, तो ये होता है मछली का हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, है ना, आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि लघु बीजाणु धानी की आंतरिक पोषक भित्ति कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? यहां है कि लघु बीजाणु धानी की आंतरिक पोषक भित्ति कहलाती है। क्या कहलाती है ये बताना है। एंडोथेसियम, या अंत सोचल, या टेपिटम, या मध्य परते, ये क्या कहलाता है आप लोग बताइएगा, है ना। यानी क्या है क्वेश्चन है भाई कि लघु बीजाणु धानी की आंतरिक पोषक भित्ति कहलाती है। क्या कहलाती है ये बताना है, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आंसर हो जाएगा टेपिटम। टेपिटम आंसर क्या हो जाएगा? टेपिटम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ई कोलाई के लॉग ऑपरॉन की प्रेरक अणु एक रासायनिक प्रकार की है। ये बताना है कि भाई कि ई कोलाई के लैक ऑपरेन की क्या है प्रेरक अणु एक रासायनिक प्रकार का है। कैसा है बताइएगा, यानी कैसा हो जाएगा? डाइसैकेराइड्स, या एमिनो अम्ल, या प्रोटीन, या आरएनए, ये क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा छह का आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो छह का आंसर हो जाएगा डाइसैकेराइड्स, यानी आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, रुकिए एक मिनट मेरे भैया, मोरे भैया मेरे अपने, कोई झूठ नहीं रहा है कि बात क्या है भाई, यही देखना है मुझे।